दोस्तों कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए दो ऐसे जानी दुश्मन लेकर आए हैं जो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि एक भाई साहब ने दूसरे भाई साहब को देख लिया ना तो बस दूर तो रहना ही नहीं है और चले आते हैं एक दूसरे को बाहों में लेने। वैसे क्या आप जानते हैं कि ये जानी दुश्मन कौन है? अरे नहीं जानते तो मेरे दोस्त फिकर किस बात की। आज हम आपको सिर्फ इन्हें दिखाएंगे ही नहीं बल्कि इनकी एक दूसरे के लिए बेशुमार दुश्मनी भी दिखाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वैसे तो हम आपको बता दें कि ये दोनों जाने दुश्मन हैं। एक तरफ है नागराज जो है बहुत ही स्लीम ट्रिम लेकिन बहुत ज्यादा जहरीले, तो वहीं दूसरी ओर है छोटू सा ये नेवले महाराज जो देखने में भले ही छोटू हैं लेकिन ये इस खतरनाक और विषैले नागराज को अपनी उंगलियों पर नचा देते हैं। और ये नेवले महाराज नागराज के लिए तो भाई जैसे यमराज हैं। भाई मैं तो इनकी लड़ाई देखने के लिए और नहीं रुक सकता हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं इनके खूंखार और जहर भरे हमले। नंबर 7, ये क्या नागराज यहाँ लेटे आराम कर रहे हैं और इनको जरा भी खबर नहीं है कि ये आज किसी का लंच बनने वाले हैं और कोई इनके पास शातर तरीके से दबे पैरों से आ रहा है। ये तो हमारे नेवले भाई साहब हैं। और देखिए ये छोटू महाराज बड़ी ही चालाकी से नागराज की पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे रे रे रे, ये क्या ब्लैक मांबा तो बच निकले लेकिन ये छोटू भाई साहब इतनी जल्दी हार मानने वालों में से कहां हैं? ये देखिए कैसे अपने हमलों से ब्लैक मांबा की हवा टाइट कर रहे हैं और ये ब्लैक मांबा तो बस मौका ढूंढ रहे हैं कि भाई साहब आज तो कैसे ही बच जाऊं, फिर कभी इधर वापस नहीं आऊंगा। अब देखते हैं दूसरा जबरदस्त हमला। वाह, आज तो नागराज ने क्या दिमाग लगाया है। इन नागराज ने सोचा कि जमीन पर तो हमारा दुश्मन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा तो क्यों ना पेड़ पर रह के ही जान बचा ली जाए। लेकिन कहते हैं ना कि शेर पर सवा शेर जरूर होता है, वैसे ही इन नागराज के साथ भी हुआ क्योंकि इन छोटू भाई साहब ने इन नागराज को पेड़ पर से झूला झूलते हुए देख लिया है। और देखिए कैसे ये छोटू महाराज भी इनका मजा दोगुना करने आ गए हैं। ये नेवले महाराज अपने शिकार को दबोचने की तो पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि निशाना कहां से लगाएं, इसलिए कभी नीचे उतर रहे हैं तो कभी ऊपर। लेकिन इस लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला और बहुत देर तक ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही। हम तो अब इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, ये नेवले महाराज नागराज को अपना लंच बना लेंगे या फिर ये खुद ही लंच बन जाएंगे? हमें कमेंट में लिखकर बताइए। नंबर 5, अब दिखाते हैं आपको एक जबरदस्त युद्ध। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के कूगर नेशनल पार्क में ये ब्लैक मांबा मौसम के मजे ले रहे थे और अपनी आइटम के ख्यालों में ऐसे खोए थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि इन पर कौन हमला करने वाला है। और कुछ ही देर में ये अपनी आइटम से तो नहीं लेकिन हाँ यमराज से जरूर मिलने वाले हैं। और ये छोटू महाराज बड़ी ही शातिर तरीके से नागराज के पास आते हैं और अपनी छोटी छोटी छलांगों से नागराज के मुंह को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये नेवले भाई साहब भी आकर इस ब्लैक मांबा को दबोची लेते हैं और इन्हें अपनी पूरी जान लगाकर नीचे ले जाते हैं और उंगलियां चाटकर इस लंच का मजा लेते हैं। नंबर 4, अब आपको दिखाते हैं सांपों के जहरीले नागराज को जो अपनी प्रजाति में सबसे ज्यादा खूंखार और जहरीला है। ये नागराज इतने खतरनाक होते हैं कि अपनी प्रजाति के भाई बहनों को भी नहीं छोड़ते, उन्हें भी अपने खतरनाक हमलों का मजा चखा ही देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े राजा भी एक छोटे से जानवर से डरता है? और वो चुटकू है नेवला। हम आपको बताकर मजा खराब नहीं करना चाहते इसलिए आप खुद ही देख लीजिए कैसे इस छुटके से नेवले के डर से ये नागराज सोफे के पीछे छुपकर बैठे हैं। इनको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। आखिरकार नेवले भाई साहब ने इन्हें पकड़ ही लिया लेकिन भाई ये दोनों ही आज तो हारने के मूड में नहीं लगते क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ जमकर लड़ाई कर रहे हैं। बहुत देर तक इनकी लड़ाई देखने के बाद मुझे तो यही लगता है कि इन दोनों में से कोई नहीं हारेगा। तो चलिए इन कोबरा किंग और येलो मंगूस को ऐसे ही लड़ने देते हैं। नंबर 3, ये क्या आज तो लगता है बाजी उल्टी ही पड़ गई क्योंकि आज तो नागराज मंगूस का लंच बनने की बजाय मंगूस को अपना लंच बनाने की तैयारी में है। और देखिए कैसे सांप भाई साहब ने मंगूस को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ है और छोड़ने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। बेचारा मंगूस आज तो बुरी तरह से फंस गया, साथ ही इसकी सारी कोशिशें भी नाकाम हो रही हैं क्योंकि आज तो नागराज फुल जोश में है इसलिए छोटू महाराज का बचना थोड़ा मुश्किल है। अरे ये क्या हो रहा है, ये छोटू महाराज तो नागराज को ही झाड़ियों में ले गए। एक काम करते हैं, इन दोनों को अकेले छोड़ देते हैं, शायद एक दूसरे से दोस्ती ही कर लें। लगे रहो भाई। नंबर 2, अभी तक आपने एक अकेले मंगूस का ही हमला देखा होगा, अब बारी है दो मंगूस की और जो है माँ बेटी। भाई अब जब माँ बेटी हो साथ तो फिर डरने की क्या है बात। ये क्या, जब माँ बेटी शॉपिंग करके अपने घर वापस आती हैं तो देखती हैं कि नाग देवता इनके घर में विराजमान है।
लेकिन ये दोनों इतनी बेखबर थी कि पहले तो दिखा ही नहीं कि कौन सा मेहमान घर आया है। लेकिन जब मोंगूज मम्मी की इन नागराज पर नजर पड़ी तो ये थोड़ा सा चौंक जाती हैं, लेकिन हिम्मत करके इन्हें अपने घर से भागने की पूरी कोशिश करती हैं। पर आज घर में आए मेहमान का ऐसा कौन स्वागत करता है भाई, इस बात पर नागराज गुस्सा हो जाते हैं और इन्हें मजा चखाने की सोचते हैं। ये नाग महाराज इतने बड़े थे कि छोटी सी मोंगूज मम्मी को ही डरा दिया और इन्हें इन्हीं के घर से धक्के मारकर निकाल दिया। वाह क्या दादागिरी है। नंबर वन भाई, छोटू महाराज की तो क्या ही कहें, क्योंकि एक तो एकदम छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, क्योंकि इनके हमले इतने खतरनाक हैं कि जंगल के राजा को भी नहीं बख्शते और उन्हें भी अपना लंच बनाई लेते हैं। जैसे आज ब्लैक मांबा इनके हाथ लग गया और चुटकू महाराज इन ब्लैक मांबा के फेरे लगा रहा है कि इन महाराज का ध्यान भटके और चुटकू महाराज इन पर हमला कर सके। वैसे ये भी नागराज कोई हल्के फुल्के नहीं है, ये इतने जहरीले हैं कि अगर ये किसी इंसान को अपनी लव बाइट दे दें तो इंसान 20 मिनट के अंदर ही यमराज से मिल लेगा। ये चुटकू महाराज तो नागराज के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और ये मारा जबरदस्त शॉट, वो भी नागराज के सर पर। लगता है नागराज का विकेट आउट हो गया, तभी तो लास्ट की तरह हो गए हैं। अब तो मोंगूज महाराज की पार्टी है, चलिए इसे पार्टी का मजा लेने देते हैं, हम भी अपने घर चलते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कौन सा खिलाड़ी ज्यादा खतरनाक लगा कमेंट में लिखकर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अगर तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले ऐसे ही मजेदार वीडियोज को आप टाइम पर देख सकें। दोस्तों आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।